मैंने बहुत मेहनत करके आज को बनाया है, ये नहीं कि मैंने बस कुवैत में मैं आया पैसे कमाने लगा। नहीं बाबा नहीं, मेरे को यूट्यूब से कोई पेमेंट वगैरह नहीं मिलता है, यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं मिलता है। आप पहले से ही तैयार रहो, आपको पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। वंस अगेन मोहम्मद फिरोज खान इज हियर, स्माइल रफकेंस, कैसे आपसे भी बढ़िया, आई होप कि बढ़िया ही हो गए और बढ़िया रहना भी चाहिए। माई रफकेंस आज की ये जो स्टोरी है ना आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं और भाई मेरे, मैं पर्सनल बताऊँ तो मेरे फ्रेंड्स मेरे रिलेटिव यही सोचते हैं कि यार क्या ज़िंदगी है। मैं ये कुवैत की बात नहीं करूँगा, मैं चाहे वो किसी भी गल्फ कंट्री हो या कोई फॉरेन कुछ भी, मतलब कोई कंट्री हो, जो लोग जॉब करने आते हैं या कभी आने वाले इन फ्यूचर, उन लोगों के बारे में ज़रा हम बात करेंगे। और मैं अपनी पर्सनल यहाँ की जो लाइफ है ना उसकी जो भी मैंने फेस की है प्रॉब्लम, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो लोगों के मन में ये मतलब ख्याली प्लाव पकता ना कि क्या लाइफ है यार, मस्त लाइफ है, अच्छे से जीते हैं, पहुँचते ही अच्छा कमाते हैं, घर बनवा लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, शादी कर लेते हैं, तो यार ये सब है। बट जो इसके पीछे है ना वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ यहाँ की, कि मैं क्या प्रॉब्लम फेस किया हूँ और कैसे मैं पिछले 5 सालों से मैं कैसे कैसे रहा हूँ। भाई पैसा तो है, ठीक है पैसा कमाते हैं, लेकिन उसके बगल में जो लाइफ है यहाँ की, जो लोग जीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, और स्टार्टिंग आने में आकर कैसे पहले सर्वाइव करते हैं, कहते कुछ और काम में लोग लेकर के आते हैं और करवाते कुछ और हैं। जो भी मैं इस वीडियो में बात करूँगा ना 100% सच होगा। वैसे तो मैं ज़्यादा फेंकता नहीं हूँ, ये नहीं कि बकैती करता हूँ। जो मैंने स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस किया, अब जाकर के धीरे धीरे मेरी यहाँ की कंडीशन सही हुई, तो सारी कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि बहुत से लोगों के दिल में ये सब रहता ना कि यार लाइफ तो अलग ही रहती है, लोग पैसा कमा लेते हैं और अच्छे बन जाते हैं, और जैसे कि मैं भाई यूट्यूब पर अपनी लाइफ दिखाता हूँ, जो भी मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे मैं रहता हूँ। तो चलते चलते बात करते, काफ़ी तगड़ा धूप है, आइए आप लोगों को लेकर के चलता हूँ। हाँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ की लाइफ है ना आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, पिछले 5 सालों में जो मैंने ऑब्जॉर्व किया, जो मैंने सहा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ जो यहाँ की लाइफ है ना वो कैसी है और कैसी रहती है, स्टार्टिंग में क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, सारा कुछ शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, एक सच्ची स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर होने वाली है। आप लोगों को समझ में आए कि आप कभी भी इन फ्यूचर आओ या आ रहे हो तो उस चीज़ से आप जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया, जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप पहले से ही तैयार रहो, आपको पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। मैं दुआ करूँगा कि किसी के साथ हो ना। तो यार ये जो कुछ थॉट्स, कुछ जो थिंक्स, छोड़ो इंग्लिश यार, जो सोचते हो ना आप लोग मेरे बारे में, माई रफकेंस और मेरे दोस्त, तो सोचा कि यार काफ़ी तारीफ़ हो रही है मेरी, इस थोड़ी तारीफ को कम की जाए और असल बात जो है वो बताई जाए कि क्या मैं इंजॉय करता हूँ, क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ घूमने, और मेरी लाइफ कुवैत में क्या मस्त मौले से कटती है, क्या करती है वगैरह वगैरह, इसके बारे में थोड़ा आप टिप्पणी की जाए, थोड़ा बताया जाए आप लोगों को कि क्या आखिर सच क्या है। ठीक है, वैसे तो मैंने काफ़ी कुछ बताया अपने बारे में शुरू से लेकर के अभी तक जो भी मेरी ज़िंदगी रही है कुवैत में, और काफ़ी कुछ अपने लाइफ के बारे में बताया है। मेरे एमएफकेंस जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं एमएफकेंस कहता हूँ, अगर आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते तो माय नेम इज़ मोहम्मद फिरोज खान, आई एम अ ब्लॉगर इन कुवैत कंट्री। मैं 2018 अगस्त में आया था कुवैत में, मैं एज अ मैकेनिकल टेक्नीशियन में आया हूँ कुवैत में। तो जब मैं आया था कुवैत में, एंट्री किया था, 2 दिन तो मैंने रेस्ट किया था, उसके बाद मैंने झाड़ू मारा, क्लीनिंग किया, क्या क्या नहीं किया। तो यार जो मैं आज हूँ ना वो मैंने बहुत मेहनत करके आज को बनाया है, ये नहीं कि मैंने बस कुवैत में मैं आया पैसे कमाने लगा और मैंने स्टार्ट कर दिया। यार मैंने 2 साल तक बहुत बहुत परेशानियाँ झेली है यार, उसके बाद जाकर के आज आपका एमएफके है। और अभी भी ना मैं ये नहीं, आप लोग ये सोचते हो ना कि एमएफके का जो लाइफ है वो मतलब अच्छे से बीत रहा है, इन्जॉय कर रहा है, उसमें भी काफ़ी है अल्लाह के रहमो करम से, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि नहीं कुछ नहीं है, बहुत ही सुधार हुआ है और आप लोगों के दुआ से, अल्लाह के रहमो करम से बहुत ही अच्छी लाइफ मैं जीता हूँ, लेकिन 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 उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो जो मैंने अभी आप लोगों को बात बताई कि मैंने झाड़ू मारा, मैंने कचरा उठाया, मैंने क्लीनिंग किया, तो वो मैंने किया है। ऑफकोर्स जब मैं स्टार्टिंग में आया था कुवैत में तो मेरी एज ना, मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने एज बढ़ा करके मैं कुवैत में आया हूँ 2-2.5 साल, क्योंकि भाई काफ़ी प्रॉब्लम था यार, तो इसीलिए आना पड़ा। तो जब मैं आया था तो मेरा दाढ़ी वगैरह कुछ भी नहीं था, यहाँ पे मूछ नहीं था, दाढ़ी नहीं था, तो एकदम बच्चा सा दिखता था मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा खाना पीने लगा तो थोड़ा सा शरीर सुधर गया, तो बहुत पतला था ऐसे में, और मतलब एकदम बच्चा दिखता था। तो यहाँ पर आने के बाद लोग सोचते थे यार ये कर क्या पाएगा, इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं लिए, मतलब कचरा उठवाने लगे, झाड़ू दिलवाने लगे, तो मैंने किया, मजबूरी थी भाई, मैंने किया। 2 साल तक मैंने बहुत बहुत प्रॉब्लम उठाया, उसके बाद कहते ना जो आपके नसीब में है, आप मेहनत अगर करते हो ना,
अगर आपको ऊपर उठना है, आपकी किस्मत में ऊपर वाले ने कुछ लिखा है, तो वो आपको मिल के ही रहेगा। तो मैंने मेहनत किया भाई, ऊपर वाले को मेरे पे तरस आया, फाइनली मेरी जो हुनर थी, जो मैं काम सीखा था, वो मेरे सुपरवाइजर को दिखा, मैंने किया और फिर मैं ट्रेड में चला गया। तो एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर कुछ है और आप मेहनत करते हो दिल से, तो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। सो मैंने मेहनत करके वो जो मेरा प्रॉब्लम था उसे मैं तो क्लियर कर ही लिया, आगे बढ़ गया, सैलरी भी बढ़ गई, अच्छा सा सेट हो गया। फिर मैं यूट्यूब पर आया उसके बाद, क्योंकि उस टाइम टेंशन में था यार, कुछ नहीं करना। तो स्टार्टिंग में मेरा दिल था कि स्टार्टिंग में ही करूँ, तो अच्छा नहीं चल रहा था कुछ, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं। फिर मैं जब सेटल हो गया, जब अच्छे से करने लगा काम, तो फिर मैंने यूट्यूब पर स्टार्ट किया। तो अब की बात बताऊँ आप लोगों, जो आप लोग सोचते हो यार बढ़िया लाइफ है, तो उसके बारे में भी थोड़ी टिप्पणी करते हैं। मेरी ही नहीं, जितने भी लोग यहाँ पर कुवैत, सऊदी, दुबई, कतर, जहाँ पर भी हैं, उनकी भी लाइफ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे फैमिली की प्रॉब्लम, फैमिली की याद आती है भाई। पैसा कमाने आए तो पैसा तो कमाएंगे कैसे भी, लेकिन फैमिली की याद आती है। और दूसरी बात ये कि जिसको खाना बनाना पड़ता है ना, ड्यूटी 8-10-12 घंटे, जितने भी घंटे ड्यूटी करो, उसके बाद आओ खाना बनाओ, सारा कुछ, कपड़ा वगैरह सारा कुछ आपको ही करना है, अपना पूरा काम आपको ही करना। तो मैं अपनी बात बताता हूँ, 10 घंटे की ड्यूटी करने के बाद जाता हूँ खाना बनाने। खाना बनाना 1-1.5 घंटा लगता है। खाना बनाना मेरे को सबसे मुश्किल काम लगता है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम मेरे को लगता है खाना बनाना। ये मेरा थॉट है भाई, अपनी अपनी पसंद। तो खाना बनाना मेरे को बहुत ही कंडाला आता है, बहुत ही मुश्किल होता है खाना बनाने में। तो खाना बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी फेस्टिवल आता है, जो भी त्यौहार आता है, वो अकेले मनाना पड़ता है। और एक तो ये आप लोगों के साथ जो मैं करता हूँ व्लॉगिंग, उसके लिए मेरे को टाइम निकालना पड़ता है। जॉब करूँ, फिर व्लॉगिंग करने जाता हूँ, फिर कभी कभी मैं होटल से खा लेता हूँ। तो होटल से भी ज़्यादा अगर खाओगे ना यहाँ पे, तो मुश्किल है भाई, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। शरीर में एक से एक बीमारी पकड़ेगी ज़्यादा, यहाँ के होटल का खाना आप खा ही नहीं सकते, इतना मसाला रहता है कि मैं आप लोग क्या बताऊँ। तो होटल में ज़्यादा पसंद भी नहीं करता हूँ, सोचता हूँ कि अपने हाथ से बना लूँ, लेकिन वो भी मेरे को मुश्किल होता है। तो एक तो काम अल्लाह के नामों से, काम और सैलरी, मैंने सैलरी के बारे में बताई अपनी कि कितनी मेरी सैलरी है, क्या है। तो लोग ऐसे भी सोचते हैं कि एफके की इतनी सैलरी एंजॉय करता होगा। देखो, एंजॉय के साथ साथ बहुत ही मुश्किल का सामना भी करता हूं मैं। और यहां पे लाइफ जो है ना, बहुत ही मुश्किल लाइफ है यार, कसम से। बहुत ही लोग प्रॉब्लम में रहते हैं यहां पे, एक से एक टेंशन घर पे क्या रहता है, कभी कुछ किचकिच मिचकिच हो जाता है घर पे, तो उसका टेंशन झेलो यार, हम यहां पे हैं, घर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो भी टेंशन रहता है। एफकेंस क्या ही बताऊँ आप लोगों को, एफकेंस आप लोग कभी भी किधर भी जाओ ना, कहीं पे भी जाओ, तो ये मत सोच करके जाना कि यार लाइफ बहुत बढ़िया है, जाकर के ये करूँगा वो करूँगा, जाता ही काम मिल जाएगा, पसंद का काम मिल गया तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। एफकेंस जब आ रहे हो बाहर पैसा लगा करके, 70,000-80,000-1,00,000 तक लोग लगा करके आते हैं, तो सोच के ये आओ ना कि मैं मुसीबत का सामना करने जा रहा हूँ, मुसीबत का सामना भाई वहाँ पर हो। जो लोग वहाँ से आते हैं वो ऐसे शौक से नहीं आते, जिनको प्रॉब्लम है, जिनके घर पर प्रॉब्लम है, खाने पीने के वांदे, वही लोग आते हैं। तो आ रहे हो ना, तो कोई भी काम मिल जाए, सैलरी टाइम से अगर मिल रही है तो कर लो उसको, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आज आपके एफके यहाँ पर खड़ा है भाई, ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ही बड़े मुकाम पे पहुँच गया, लेकिन मैंने क्लीनिंग, झाड़ू मारी है, क्या क्या नहीं किया, उसके बाद मैंने ट्रेड में भी काम किया और आज आप लोग देख ही रहे हो आप लोग के सामने। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, करना, सैलरी मिल जाए तो करना, ऊपर वाला जो आपके नसीब में दे करके रखा है वो आपको मिलना ही मिलना है, कुछ भी हो जाए। ये आप लोग सोचते होगे कि एफके का यूट्यूब का पेमेंट आता होगा या उससे तो काफ़ी इन्जॉय करता होगा, नहीं बाबा नहीं, मेरे को YouTube से कोई पेमेंट वगैरह नहीं मिलता है, यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं मिलता है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोगों को जानना है क्यों नहीं मिलता है YouTube से पैसा, तो आप लोग मेरे को कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा, ये थॉट क्लियर करूंगा। तो फिर यही रही बात, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, बैठे